दबाए जाते हैं, ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? सर देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, वो जिस जो आज गाना सक्सेस है उसी पे हुआ था। अभी अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हम ही नहीं, दो तीन चीज़ें हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो आप कभी नोट कीजिएगा। जैसे कुछ सिंगर होते हैं जो अपना पोस्टर तुरंत डालते हैं कि भैया मेरा पोस्टर का भी सेम नाम है, अभी दूसरे किसी ने भी गा दिया, जैसा मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ होती है कि जो आजकल ज़्यादा है कि मैं उनका भक्त हूँ तो मैं उनका भक्त हूँ। सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में, जिसको कि लोग बोलता था कि कलाकार सात समुद्र पार भी एक होता है, मतलब सुर और संगीत जो होता है इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आज है हालात जो हैं कि अब अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बातें लाइव में आके कह दी तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हर बार रुआ तो हर गाना हिट हो जाए। इसको भी कहीं ना कहीं तो क्या मतलब क्या है बोलने का, जब आप अनसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आपसे बोलने से क्या फायदा है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस संगीत का, अरे सर हम किसी के घर शो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भैया आप कौन से कास्ट के हैं? वो तो सीधे बोलते हैं, उनकी औरत सीधे बोलती है बेटा आवा घर आवा, उनकर माई सीधे कहली बबू आवा दूध रोटी खा ला, क्योंकि हम तो कलाकार है, हमारा तो पूरा का पूरा एक ही परिवार है, संगीत का धर्म और जात कैसा सर। लेकिन फिर भी अब इस चीज के ऊपर सवाल उठती है, बातें होती हैं, और क्या क्या बोलिएगा, बोलिएगा तो गाली सुनिए नीचे कमेंट में, तो सुनते रहिए गाली, उसमें हमको क्या बोलना है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बोलेंगे तो? मैं सर अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात, आप लोग क्या होता है, आप लोग जबरदस्ती पहले बोलते हैं कि राकेश जी बोलिए बोलिए, और दर्द खुलवा देते हैं, नीचे से गाली सुनवाते हैं, वो तो रोक नहीं पाते हैं। अब आपके इंटरव्यू में मैं कुछ बोलूंगा अपनी दर्द की बात, तो नीचे सब लिखेगा कि हाँ देखा वो इन फरन राकेश बोला तरह, हाँ अब रोइये कहीं व्यू बटोरी है। लेकिन जरिया ये मीडिया ही है, और मीडिया इस समय आपके पास इतनी सारी यहाँ पर खड़ी है, आप अपना दर्द बयां कर सकते हैं। मेरा दर्द एक ही है सर, और मेरा दर्द कुछ नहीं है, कि ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और इस सृष्टि में हर धरती पर रहने वाले इंसान के साथ होता है, क्योंकि दिन अच्छा बुरा आता है। लेकिन अगर दिन अच्छे बुरे हैं और उसमें से आप निकल के फिर जब गॉड आपको अच्छा कुछ देता है, जब ये जिसको हम श्रोता भगवान बोलते हैं, ये जनता फैसला करती है, जब ये प्यार देती है, तो इस प्यार को एक्सेप्ट करके हम कुछ नया करने जाते हैं, ना कि हम बातों में उलझना चाहते हैं। तो जब हम नया करने जाते हैं और हम अपनी बात अगर रख देते हैं, अगर कुछ मान लीजिए मेरे मैं अगर बैठा हूं और आपने आके मार दिया, तो समझ में आता है कि ठीक है मैं बैठा हूं, फालतू का बैठा हूं, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, बट मैं मेहनत कर रहा हूं और फिर मेरे काम को आप हटा दीजिए, चाहे मेरी चलती हुई करियर को आप डिस्टर्ब कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं दुख तो पहुंचता है ना सर। और उस बात को अगर बोला जाए तो उसको दस तरह से लेना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। किस गाने के साथ? क्या आप पवन और केसारी लाल को लेके कुछ बोल रहे हैं, क्या है मतलब? नहीं सर, ये आपका थॉट हो सकता है, मेरा किसी के लेके बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट बात क्या है कि हमारी चीजें मीन्स हमारा मेहनत, अगर हमारे मेहनत से किए हुए चीज को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी, आप किसी का कैसे भी बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, चीजें मान लीजिए अभी हमारी चार घंटे में आपको दिखी कि अच्छे खासे पोजीशन में है, और सात घंटे बाद अब जय श्री राम हो गए, पता तो चलता है ना, कॉमन सेंस है ना, थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा कि नहीं समझदारी है। तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज है, कम से कम उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, जो नहीं है वो तो नहीं है। किसने किया छेड़छाड़? अब सर किसने किया, आज डिजिटल के जमाना में के कहां से करत जात ने रुआ कर खोली में देखे, क्योंकि पोतो बा के कहां बैठल बा, एजा तो लोग ट्रेन में बैठ के खेला कदी तार पोते ना चली। किस गाने का जिक्र कर रहे हैं आप? गाना राजा जाई ना बहरिया। इसे रोका गया? अरे जब ये पहले दिन रिलीज हुआ तो सर आपको पता भी नहीं है, ये गाना आप जानते हैं इसकी सच्चाई? लोग बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है, या कमेंट बहुत तरह से आते हैं, आप तो मीडिया हैं, आप तो सब जानते हैं दिन रात। एक तो बोला जाता है कि भाई ये ना इसको पब्लिक ने भाई चाहा। मैं सर सच में बोल रहा हूँ, राकेश मिश्रा के सांस भी निकलेगा ना तो मुझसे कर्जा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल के जमाने में दो दिन में गाने को हिट और फ्लॉप किया जाता है। अगर पहले दिन मिलियन नहीं आया तो आप फ्लॉप गायक हैं, और पहले दिन मिलियन आ गया तो आप हिट गायक हैं। लेकिन इस गाने का पहले दिन का व्यू जानेंगे आप, आपको जानकारी है, पहले दिन ही ये गाना वीडियो रिलीज हुआ तो 7 लाख उठाया था, और 7 लाख के बाद ये गाना 20,000 उठाने पे मजबूर हो गया, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर वो हाल हुआ जो ना कंपनी मालिक सोचे थे ना सिंगर सोचे थे। कुछ देर पहले आपने इसी गाने के लिए बधाई ली है?
तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन उसके 3 महीने बाद कितना इंतजार किया गाने ने, कितना इंतजार किया। आप अच्छे धावक हैं, आपको पहले दिन मैंने लंगी मार के गिरा दिया, आप पहले बहाली में छट गए, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप नौकरी नहीं लेंगे। अगर आप में जज्बा है और आपको देख रहा है ईमानदारी से लोग, तो ये जनता ईमानदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना एक एक करके। लोगों को जब ही पसंद आया, पसंद तो आया ना, बात पसंद की है, बात है कि चीज अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो 2 दिन में निकलेगा कि 2 महीने में निकलेगा। आप अपना कर्म बेहतर कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। छेड़खानी नहीं होती तो मिलियन कहां तक पहुंचते? अब सर नहीं होती, हमर अगर वो लंगी ना मरती तो हम कितना तेज दौड़ती, तो हमारे डिपेंड रहन अब तो बतिया अलग बात। ये तो नहीं होती या प्रश्नवाचक चिन्ह में तो सारा खेलेगा बड़ा जल्द। 175 मिलियन के बाद भी आप नाराज हैं, ये आपका कहना है, क्योंकि दोनों बात आप ही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि राकेश जी सच्चाई को बोलिए, इस गाने के साथ आपके साथ क्या हुआ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नाराज भी हैं। तो अब बताइए, जब आप ही हमको सस्पेंस में डाले हैं कि हम क्या बोले, तो अब और लोग तो हमको गाली देंगे, तो कौन सा गलत दे रहे हैं? आप मीडिया हैं, आप इतने समझदार हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मिर्चा है, एक तरफ लड्डू है, हम क्या करें? तो 175 मिलियन नहीं, ये 1075 मिलियन होगा ना सर। फिर भी वो पहला दिन मुझे याद होगा, और फिर भी ये जो दर्शक बंधु हैं, जो भगवान रियली में भगवान है, उनको मैं जितना धन्यवाद दूं कम है कि भाई साहब डिजिटल जमाने में 3 महीने बाद गाने को एक नेशनल लेवल पे हिट कराना, ये हमारे आपकी बस की बात कहाँ है। हम तो जानते भी नहीं था कब बजा, जब शुरू हो गया तब पता चला कि बज रहा है। राकेश जी, राजा तनी जाई ने भरिया किसने लिखा है और कैसे प्लानिंग हुई थी, जरा कुछ बताएं उसके पुराने बातें जो याद हो लिखते समय की। राजा जाई ना बहरिया जो है वो एक बंद कमरे में, आरा जिला, आरा घर हमारा, आरा एक बंद कमरा में, जिनकी हालात नहीं रहे, पुरगाम गम तो कुछ मिलत ना रहे, ठन ठन गोपाल।